ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग मधुबन में ज्ञान सरोवर में जहाँ तक कितना श्रृंगार हुआ है आज हमारी दादी ज्ञान सरोवर झंडा लहराने आ रही है हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे झंडा हाँ, ले रहेंगे फिर क्या हम क्या करेंगे सदा के लिए बाबा का झंडा विश्व भर में सब आत्माएं देखे ऊपर वाले को अच्छे से देखे आँखों पर चली जाए हाँ, ये शिव जयंती बाबा को प्रत्यक्ष करने की जयंती है सिर्फ मनाने की जयंती नहीं है बाबा हमारे द्वारा सर्वात्माओं को जैसे हमको अनुभव कराया है अनुभव चला रहा है अरे कि अपने आप से पूछे कितना अनुभव है मेरे पास कितना अनुभव है कितना ज्ञान है ना कितना अनुभव है अनुभव में कितनी शांति है कितना प्रेम है बाबा के लिए ओ कितना है इतना है इतना है इतना है इतना 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 है कितना है अमाप है अनगिनत है अमाप है गोपाल भाई अमाप है अनगिनत है बाबा कहते थे आगा खान को वही हीरो में के, हीरो में ना ऐसे ना वजन किया था हाँ सोने सोने में पता नहीं नेहरू को ही सोने में वजन किया था शिव बाबा का वजन किस में करेंगे अभी उसको क्या देंगे कैसे किस में वजन करेंगे इतना छोटा सा बिंदु और अथॉरिटी सर्वशक्तिवान उसको किस में माफ करे किस में माफ करे माफ करने वाले को हाथी नहीं कैसे कैसे जो करे वो एंजल बन जाए आ, ऐसे देखते ही ऊपर चले जाए क्या दे मैं उसको कैसे वजन करें उसका जो हम कोई संपन्न बना देता है तो संपन्न का दो शब्द होते हैं ना संपन्न है एक संपत्ति धन बहुत है इसके पास दूसरा संपन्न है ये भरपूर है सर्व गुणों में संपन्न है एक क्योंकि गुण की कमी नहीं तब तो हम बाबा को इस भी वजन करेंगे तो हम सर्व गुण संपन्न बनते पर बाबा को सामने रखेंगे बाबा बरा या हमारी समानता समानताती जाए ना हाँ समान तो मज़ा आएगा तब बाबा पर प्रत्यक्ष होगा क्या समझते हैं सौदा करने वाले वो इतना छोटा सा है पर हम सबसे न्यारा है हम सबका प्यारा है सर्व आत्माओं से तो ऊंचे तो ऊंचा पर हम सब बच्चे जो है ना, हम सबसे वो न्यारा है हम बच्चे वैसे भी न्यारा है और वो कहते तुम भी एक दो से न्यारे हो पर मेरे प्यारे हो तुम बच्चे भी बच्चे मेरे हो बच्चे एक समान नहीं हो पर जो न्यारे है ना जितने न्यारे हैं ना उतने मेरे प्यारे हैं न्या, एक न्यारे भिन्न दूसरा न्यारा है एक दूसरे न्यारे हर एक की विशेषता अपनी किसे भेटक किया ना तो अपने आप को नहीं समझा उसमें टाइम चला गया कांटा नीचे पर होने लगा वज़न का नहीं समय क्या करना ध्यान करना पड़ता है कांटे भाई एक्यूरेट है हम ही ऐसे करेंगे तो कांटा ऐसे होता जाएगा नहीं भले अनाज का व्यापारी हो या सोने का व्यापारी हो या हीरो अटेंशन बहुत ऐसे ऐसे करता रहे किससे ठगी करते है तुम ठग माना जाएगा तुम फिर कहेंगे मेरे में ट्रस्ट नहीं है अरे तुम ट्रस्टी बनकर के एक्यूरेट तो रहो सब सबका ट्रस्ट हो जाता जो हर बात में एक्यूरेट रहने की भावना से काम करता है सबके दिलों में उसके लिए स्नेह पैदा हो जाता है कहते हैं जैसा कोई दिखा नहीं कहेंगे क्या बताऊं ये बिल्कुल एक्यूरेट है तुमको तो एक्यूरेट बनना है भावना होगी न बनेंगे इसमें क्या है थोड़ा नीचे क्या हुआ इसमें क्या अच्छा ठीक ओके क्या इसमें क्या हुआ थोड़ा बहुत ये क्या हुआ क्या हुआ बोला कितना नुकसान पड़ता जाएगा न बाप का प्यार न परिवार का प्यार रहेगा पर कह मुझे कोई प्यार नहीं करता अरे प्यार तुम ट्रस्टी बनता ही नहीं है ईमानदार बनता ही नहीं है प्यार कैसे मिलेगा यहाँ मुफ्त का लाल कंपनी नहीं है मुफ्त में प्यार नहीं मिलता है मिलता है तो ढेर मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है वो यहां मिलता है बाबा से मिलता है परिवार से मिलता है बहुत मिलता है प्यार सबके लिए इज्जत रख के देखो कितना मिलता है लव पहले रिस्पेक्ट पहले लव एंड रिस्पेक्ट पहले क्या किसको रिस्पेक्ट दो तो लव मिलेगा या हम रिस्पेक्ट देंगे नहीं लोग बोलेगा कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो खुद को भी ना प्यार करते ना दूसरे को प्यार करते सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बहुत महत्व है सिर्फ सुबह को अच्छी तरह से मान बनाए मान मांगे नहीं मानना क्वालिटी बनाए इधर ध्यान इधर ध्यान इधर जाने तो इधर जाने धर ऐसे ऐसे करने वाला तो न खुद के लिए कर सकता है न कोई उसके लिए कुछ कर सकता है जो कभी जिसकी बुद्धि कभी इधर कभी उधर तो शुभ भावना भले रखो परंतु तो उसको ऐसे ध्यान से शुभ भावना को भी ऐसे लेना स्वीकार करना उसे भी उसके लिए ध्यान चाहिए समझ रहे हो कान तो हिलाओ ना शुभ भावना मिल रही है ऐसे लेना आ, ऐसे ऐसे करते जा देने वाला तो दे रहा है छोड़ता तो रही है अच्छा ठीक है क्या करें? हा? अपने बुद्धि को एकाग्रता की शक्ति से अकल वाला बनाना तो अकल से काम ले थोड़ा थोड़ा शांति से काम ले शांति माना थोड़ा समझे से काम ले तो समझ से काम लेने वाला अंदर ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप बनता है ज्ञान स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान कहता है सुन रहे हो ना बाबा कह सुन रहे हो ना ये आत्मा इन कानों द्वारा सुन रहे हो ना कि बाबा अच्छा दिख रहा है अच्छा सुन रहा है तो बाबा से ध्यान देने वाले को अंदर से शांत रहने की शक्ति देता है कई बार भले आज संडे है ना खास हॉस्पिटल वालों के कारण संडे ढूंढ लिया शादी आने वाली से जल्दी तो नहीं जाएंगे ना आ, मुझे कहा नहीं कल का कल जाओ मैं कह नहीं संडे जाएंगे हट जा नहीं है तो, आज का दिन फिर से थोड़ी मिलेगा आ, जो आज का दिन है फिर से रिपीट नहीं होगा कल कल होगा आप आज के हर दिन का महत्व जानने वाला ही तो मैं क्या बताने वाली थी थोड़ी बात सुनाएंगी जब जब हमारा ये टेस्ट किया है ना जब जब बहुत टेस्ट किया होगा तो जब टेस्ट करते तो मैं तो साखी होती हूँ वो कहते ऐसा कैसे है मैं तुम देखते हो मैं कैसे हो, मैं क्या बता हूं? कैसे है तुम्हारा ये फिर अंदर थोड़ा सा विचार करती हूँ कैसे हुआ है बाबा की बा, जो भावना है बाबा की बात है भावना है हम बच्चों के प्रति दिल से स्वीकार किया है अभी भी कर रहे हैं ऐसी कोई घड़ी नहीं आई है जो ऐसे ऐसे किया हो मैं भी सोचती हूँ कभी कैसे अचानक कर, टेस्ट करने से भी अचानक अभी पास हो गई है कमाल है मेरे बाबा की हाँ। कभी हार्ट ऐसी होती थी अभी हार्ट कभी कोई देखते हैं ना कहते है तो तुम्हारी तो ज्वानों से भी अच्छी है अच्छा हाँ। कभी हार्ट नहीं होता है ना तो हार्ट मजबूत है हीलिंग पावर है ये हट नहीं हो सकता और ये आपकी मशीन सब फेल हो जाएंगी काम नहीं करेगी इतना बाबा की कमाल है अपने बच्चों को ऐसा संभालता है और मिसाल दिखाता है देख ये मिसाल है ना लंगराता तो नहीं है ना बच्चा इसलिए बाबा ने कहा था बच्चे पर लंगरा पुरुष आती है लंगरा बेचारा क्या पैदल करेगा कितना कहां तक करेगा लंगरा बेचारा तो बाबा कहे लंगरा है तो कान तो सुना मैं तो कभी लंगरी न बनू आज एक टांग नहीं चलती तो कल दूसरी भी नहीं चलेंगी पर क्या हाल होगा किसी को चलाना पड़ेगा जो कल किसको बोला मेरा कोई ध्यान ना कि भाई बिचारी भी, भी तो ये ऐसी है इसका ध्यान रखना चाहिए अच्छा इसलिए बाबा के पास आई हूँ क्या इसलिए आई हूँ बाबा के पास मैं दूसरा क्वेश्चन उठा कैसे तुम्हारा ये हुआ हा? जो बीस साल से तीस साल से पचास साल से चंद्रा भाई कितने साल से जानते हो सत्तर साल बाबा का मना रहे हैं हाँ। संत रामाई कितने साल से जानते हो हरे हाँ जानते हैं ना है। तो कोई हठ योगी कोई आया है योगा टीचर्स कहते आप तो ऐसे हो पर आपके सब ये ऐसे कैसे है और योगा टीचर्स है कहते हाँ ये, ये सब कैसे है ऐसे है सबको देख देख कर कहते हैं दुनिया में तो कोई ऐसे है नहीं पहले हमारे हम पास तो हम कहेंगे जाने नंबर किसी का माइंड कभी नाचता है कभी उठता है कभी सोता है कभी जागता है पर उनको लगता है दुनिया से तो ये बड़े डिफरेंट है तो हमको अपना आप जिम्मेवार बाबा है मेरा बस ये जिम्मेवार मेरा बाबा है कभी अपना कोई फिक्र जरूरत तो फिक्र होता ही नहीं है भाई माइंड अच्छा कैसे रहे सदा माइंड अच्छा है तो दिल अच्छी है दिल अच्छा है तो बुद्धि अच्छी है बुद्धि अच्छी है सब कुछ अच्छा है हाट मेरी थोड़ी है हाट भगवान को दिल दे दी है दिल भगवान को दे दी है तब दिल आराम में है दिल वाला के पास बैठे हैं तपस्या करने के लिए दिल से पूछो दिल कहाँ है मेरी दिल में क्या है अपनी दिल से पूछो ना मेरे दिल में क्या है ऐसी भी दिल रहे दिला परमात्मा से सच्ची दिल से प्यार होवे जो कभी प्यार की कमी महसूस न हुई हो जब पता है वो देता है पर सच्ची दिल वाले को देता है बाकी को खुश करता है तो मैंने कभी बाबा कहा था बाबा मुझे खुश करने वाला प्यार कभी नहीं करना देखती थी कि उसको खुश करता है क्या करे बेबी बुद्धि है या जल्दी जल्दी ऐसे जल जल बच्चा तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ वो किसकी मैं सुन नहीं सकता है तो उसको कह नहीं नहीं तुम्हारे जैसा कोई नहीं है जैसे बता देती हूँ क्या हुआ एक बारी बाबा ने यहां ये जो हमारा छोटा हाल है हिस्ट्री आल मनोहर दादी की, की बहुत महमा किया बहुत महमा किया उस टाइम बहुत अच्छा शिवा करती थी बहुत बहुत अच्छी करती थी और मैं कुछ नहीं करती थी पुणे में ऐसे रहती थी पंजाब में सात साल नहीं गई थी ट्रैवलिंग नहीं किया मैंने कहा दिन में बाबा को बाबा मनोर बहुत अच्छी है मनोहर तब दादी नहीं कहते मनोहर बहुत अच्छी किसने कहा अच्छी है मैंने कहा आप कहा से भूखो मैंने कहा ही नहीं तू कम तो अच्छी है ना मैंने कहा नहीं नहीं मैं अच्छी है तो कहा तो मैं कहा मैंने कहा ही नहीं मैंने कहा बाबू सुबह को अपने बोली में कहा था बच्ची तुम अच्छी हो मैंने कहा मैं मुझे खुश नहीं करो ना वो रियली अच्छी है ना इतना अच्छा मीठा मीठा बाबा से रोअरिया हुई तो दिल में कुछ न रखो ना दिल से जो बाबा प्यार देता है ना उसकी शक्ति बहुत है वो घड़ी मुझे भूलती नहीं है कहता तुम क्या करना है बच्ची मैंने कहा सेवा तो कुछ कर सकते नहीं सकते उन्होंने कहा आती नहीं जाती नहीं अच्छा ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहा हूँ तेरे लिए बना रहा हूँ यहाँ बैठ के ट्रेनिंग देना जून मास है फिर यहाँ दिन में बारह बजे सोते हैं खाते है सो जाते हैं तीन बजे बैठ के क्लास कराना बाबा मेरा क्लास कौन सुनेगा मैं कैसे क्लास कराएंगे मैं सिखाता हूँ अच्छा बाबा बाबा रेस्ट करने जाता था सिखाता था सब सोटे हार बैठ जाते थे क्लास कराओ अच्छा मुझे कुछ कर लिया सच्ची दिल से खुश किया तो क्लास कराने बाबा सिखाया मैंने कहा ना मैं कुछ सेवा नहीं करती हूँ बाबा तो सेवा करना सिखा लिया अब जब तो फॉरन ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो गया अच्छी अच्छी टीचर्स को तैयार करना तो दिल शिकस्त वाली बात कभी नहीं कहना आवे ना बाबा को सुना देना बाबा अच्छी अच्छी बातें सुना करके करा लेंगा मतलब बाबा से दिल से बात तो करो ना दिल में दबा लो कहते तो दिल में दबाने की जो आदत है ना एक बात दूसरे दिल में दबा लेते हैं ना तो जो अच्छी बात है वो भी दब जाती है बेचारी जो अच्छा करना है ना वो भी नहीं कर सकते हैं तो दिल में कोई बात दबा के रखना बरापन को पर तो उसके अंदर से दर्द की दाह निकलती आ, आ निकलता रहेगा सांस में सुख का श्वास उठे खुशी में नाच उठे को एक से में हल्का कर देवे भारी ऐसा सुनना हो है। जो भारी होता है उसके ऊपर और कौन बोझ रखेगा कौन सी जवाबदारी देंगे उनको जो हल्का होता है ना उसको और क्या? तुम ये भी करो ये भी करो इसको ही इस कहते हो अरे हल्का है ना क्या करें हल्के को जो हल्का है ना उसको और काम देते हैं ये भी करो ये भी करो ये भी करो पर उसको ये ख्याल नहीं आता है कि मैं भाग्यवान हूँ ना चलो मेरे पर हुज्जत है ना क्यों ना करेंगे क्यों मैं थोड़ी करती हूँ बाबा कराता है ना मैंने थोड़ी बाबा कराता है पर ऐसे ऐसे उसमें विधि आती है तो खुद बोले नहीं कर, उनको सने से बाबा करा के दे देता है तो स्नेह की बाबा ने मुरली चलाई है सारी स्नेह की अगर बाबा की तो अंदर से अपने आप को प्यार करो अभिमान से नहीं मैं अच्छी हूं ऐसे ऐसे वो नहीं जैसे बाबा बनाने चाहता है बाकी एक बात और भी सुना देती हूँ और किस क्वेश्चन पूछते रहे तो एक जवाब दे दिया लौकिक बचपन से भी मेरे जीने का पर्पस क्या है मेरे जीने का पर्पस क्या है ऐसे ही ना रोज अपन से पूछो मेरे जीने से भगवान खुश है सब खुश है नहीं तो जीना चलो जीना जीना ही होगा जब तक मर, मर शरीर छूटे तब तो तक जीना ही है पर मरने के बाद भी कुछ जीना तो होगा ही ना कहा तो जीना होगा ना पर्पज क्या जीना है तो खुशी से सबको खुश होवे भगवान इसमें खुश होता है सबका भला हो भला हो मेरे को इसमें खुशी है बाबा कहते हैं ना सबको परपज है सब खुश हो कोई मेरे से तंग ना हो हाँ। सब खुश हो गए अपन को खुश करने के लिए मैं जो चाहूं सो करूं भले करो मैं जो चाहूं सो करूं कहेंगे भले करो तो उसमें फायदा क्या हुआ किसको फायदा हुआ जो कहते मैं जो चाहूं सो करूं बाबा याद नहीं करता है उसको वो याद भी नहीं करता है बाबा को पर मैं जो चाहूं सो करूं तो बाबा जिम्मेवार नहीं है मेरे जीने का पर्पज क्या है ये पूछो अपने आप से बाकी भी संगम युग पर जीने का पर्पज क्या संगम युग है थोड़ी सी घड़िया है घर जाने की सामने घड़ी बता रही है अभी अभी जाना अभी अभी जाना है बाबा के साथ जाना है बारात में नहीं जाना है तो संगम युग पर जीने का पर्पज क्या जिसमें सारे चक्कर का कनेक्शन है आपे पूजा पे पूजारी का पूजारी को पूज बनाता है फिर से बार बार पूछो इस जी का मतलब क्या जो तो मैं खुश ना रहूं और मेरे से किसी को खुशी न मिले खुशी कौन सी मुझे को खुश किया उसमें मैं खुश नहीं हूं कोई मेरे को खुश करे उसमें मैं खुश रहूं अरे खुशी तो मुझे भगवान ने भगवाने। बाबा ने कहा अखंड अटल अचल अवनाशी खुशी दी है अखंड अटल अचल अवनाशी खुशी दी है बाबा ने वो खुशी सबके पास रहे बाबा ने इतना दिया है फिर भी ज़रूर पूछ सुबह शाम पूछना चाहिए अपन को सुबह को पूछो शाम को पूछो आज का मेरा जीना किस काम का रहा मेरे फायदे के लिए रहा सुबह को पूछ के फिर शाम को पूछो अपन से पता चलेगा बाकी ये, ये ऐसे करता है ये ऐसे करता है ये ऐसे करता है ये भी जीना किस काम का इतने बार अमां मरे तो हलवा खा बीबी मर हलवा खावा कहता थे माँ मरती है बच्चे की तो बेचारा बेचारा उसकी बीबी मरती है तो बेचारे का क्या हाल होगा तो तो भी क्या है वो तो पता है ना शरीर में नशी है ये है मेरा कोई हिसाब कताब नहीं अच्छा आज का दिन तो याद रहेंगे शिवरात्रि आ रही है ना। बाबा के सामने आ, हम खुशी खुशी से ऐसे रहेंगे बाबा ये शिवरात्रि हमारी आ, भले पहले मनाई है पर ये नवीनता लाने वाली है हमारे में आ, नया जीवन नई बातें ओम शांति समझा समझा